हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का। मैं हूं विश्व। तो आज के इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं कि माइक्रोसॉफ्ट एज में अगर प्रिंटआउट लेते समय बैकग्राउंड कलर, ग्राफिक या इमेज नहीं दिख रही है तो इस प्रॉब्लम को हम कैसे ठीक कर सकते हैं। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट एज पर बेसिक से लेकर एडवांस तक के वीडियोज देखने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक दिया है, वहां से जाकर के आप वो वीडियोज देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज का वीडियो बेसिकली है सवाल के जवाब में। मैं बहुत आसान तरीके से समझाऊंगा कि आप कैसे इस प्रॉब्लम को ठीक कर सकते हैं। तो मान लीजिए कि यहाँ पर सर्च बॉक्स में हम कोई चीज सर्च कर लेते हैं, फॉर एग्जांपल आईफिल टावर सर्च कर लेते हैं और यहाँ से इमेज पे हम क्लिक कर देते हैं। ठीक है, ये देखिए हमने इमेज पे क्लिक कर दिया। अब जब हम प्रिंटआउट वाला कमांड देंगे, यानी कि कंट्रोल पी जब आप दबाएंगे तो देखिए प्रिंटआउट का पेज यहाँ पर ओपन हो गया। ठीक है, ये देखिए प्रिंटआउट का पेज ओपन हो गया। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो इमेज वगैरह है वो कुछ नहीं दिख रहा है। अब हमें क्या करना है, लेफ्ट हैंड साइड में जाइए और यहाँ देखिए इस स्क्रॉल वाले बटन को नीचे से स्क्रॉल करिए। तो जब आप इसको नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर देखिए ये मोर सेटिंग का ऑप्शन आपको यहाँ पर दिखाई देगा। यह मोर सेटिंग का ऑप्शन, ठीक है, इसके ड्रॉपडाउन पे क्लिक कर दीजिए। तो जब आप ड्रॉपडाउन पे क्लिक करेंगे तो फिर से स्क्रॉल करने का ऑप्शन यहाँ पर आपको देखिए दिखेगा। अब इसको नीचे तक स्क्रॉल करते जाइए और यहां पर देखिए ऑप्शंस में आपको मिलेगा हेडर एंड फुटर एंड बैकग्राउंड ग्राफिक का ऑप्शन। ठीक है, जैसे ही हम इस पर चेकमार्क लगाएंगे तो फिर देखिएगा क्या होता है। ये देखिए हमने चेकमार्क लगाया और ये देखिए आपके सामने अब सारी इमेजेस जो वहां शो कर रही थी यहां पे दिखने लगी। उसके बाद सिंपल है, आप यहां से प्रिंट कमांड पे प्रिंट दे करके क्लिक करके आप अपना प्रिंट आउट ले सकते हैं। ठीक है।